मॉर्निंग। चलिए हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ। हमारा 17 कंप्लीट हो गया था, आज हम पाठ 18 के पहले। यहाँ पर कुछ पोयम दी गई है, ठीक है। ओनली रीड एंड एंजॉय करना है, पढ़ना है और इसको आनंद लेना है, ठीक है। तो इसे हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं, आप लोग भी रीडिंग करिए। पोयम है, ये पोयम आप लोग को लर्न होनी चाहिए, ओके। तो आइए इसे हम रीड करते हैं। जल्दी जल्दी आओ सारे, आओ हम सब खेलें खेल, एक दूजे के पीछे अपनी लंबी एक बनाएं रेल, जो है सबसे मोटा काला वही बनेगा इंजन वाला, सबसे आगे जाएगा सबको वही चलाएगा, एक दूजे के पीछे लगकर डिब्बे बाकी बन जाएं, चलें एक सीधी लाइन में झुके नहीं दाएं बाएं, सबसे छोटा सबसे पीछे गार्ड बनाया जाएगा, हरी चलाने को रुकने को झंडी लाल दिखाएगा, जब इंजन वाला सीटी दे सबको पांव बढ़ाना है, सबको अपने मुंह में छुक 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 करते जाना है। कितनी अच्छी पोयम थी ये, अपनी ट्रेन वाली पोयम है ना। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। अब हम मेन लेसन पढ़ेंगे यहाँ पर 18, ओके। 18 लेसन को हम रीड करेंगे यहाँ। तो आइए हम देखते हैं क्या है तारे, क्या है लेसन 18 यहाँ पार्ट 18 है तारे, जिसको हम स्टार बोलते हैं ना, सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ पात्र दिए गए हैं जो क्लास, ये एक क्लास है, इस क्लास में अध्यापिका है और दो चार बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे अध्यापिका और आप बच्चों की आपस में बातें हो रही हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से अध्यापिका में जो शिक्षक होता है, शिक्षिका जो है, अध्यापिका टीचर जो है, वो बच्चों से कैसा प्रश्न पूछ रही हैं। तो यहाँ देखें बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। यहाँ पर जो अध्यापिका है वो क्या पूछ रही है, पहेली, सोचकर उत्तर देना। अब उन्हें एक पहेली यहाँ पर बताई। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर पर थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। तो इसमें ये पहेली उन्होंने बोल दी। अब इसके बाद वहां पर टीचर्स क्लास में ये पहेली को बोल रही थी, उसमें से एक बच्चा हेमंत नाम का, उसने हाथ उठाया और कहा कि आकाश। अध्यापिका ने कहा शाबाश विजय, तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है। तो अब दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा, विजय नाम का जो था, मतलब अध्याप पहले किसे पूछी, हेमंत ने जवाब दिया आकाश, और फिर दूसरे स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि यह मोती किसे कहा गया है। तो यहाँ पर विजय ने बताया, मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। तो अध्यापिका ने ठीक कहा। फिर है तीसरा स्टूडेंट से नीलम, मैडम ये तारे क्या हैं। अध्यापिका ने आंसर दिया, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। फिर चौथी व्यक्ति स्टूडेंट ने कहा, सचिन नाम के स्टूडेंट ने, बीच में ही मैडम, मतलब बीच में ही वो नीलम से क्वेश्चन कर रही है, उसका आंसर दे रही है, उतने में ही सचिन नाम का एक स्टूडेंट से उसने हाथ उठा दिया। सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो अध्यापिका ने आंसर दिया, इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9,30,00,000 मील दूर है, तारे तो इसमें भी कई गुना अधिक दूर हैं। फिर इतने में राकेश ने क्वेश्चन किया, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लगता होगा, मतलब फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लगता होगा। आगे अध्यापिका ने आंसर दिया, हाँ जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसमें प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। नीलम, मैडम इन तारों का क्या लाभ। अध्यापिका ने कहा, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। पहले समय में कोई, जैसे अभी अपनी वॉच है, घड़ी है ना, तो पहले हमारे
पहले के समय में ये घड़ियां वगैरह नहीं रहती थी, तो उन पहले के जमाने के जो व्यक्ति रहते थे वो किस तरह से समय का पता लगाते थे, तो वही बताया गया है कि तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता था। हेमंत मैडम, हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उनके बारे में बताइए। अध्यापिका, प्राचीन कथा में के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। उसकी एक ओर सप्त ऋषि मंडल के 7 तारे हैं, हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर नीलम मैडम, कुछ तारे नीले और कुछ सफेद क्यों दिखाई देते हैं? तो आंसर दिया अध्यापिका ने, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इनमें से एक इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर इसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। अंजिल ने क्वेश्चन किया, मैडम आकाश गंगा क्या होती है? तो अध्यापिका ने इसको आंसर दिया, आकाश गंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसमें इनके बीच इनके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। नीलम मैडम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चलकर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? अध्यापिका ने आंसर दिया, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। कैसे? जब हम आसमान में हम देखते हैं ना बहुत सारे इकट्ठे, जैसे बगुलों को देख लो, है ना, तो जब बगुले एक साथ ही उड़ते हैं ना, उनके देखना, वो हमेशा ग्रुप में ही उड़ते हैं, तो वो हमको दूर से, हम नीचे से देखते हैं अपनी पृथ्वी से, तो वो हमको एकदम सटे सटे दिखते हैं, लेकिन वो काफी डिस्टेंस में रहते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पर अध्यापिका ने तारों पर भी लागू की, बताई है कि तारे भी हमें पास में दिखते हैं लेकिन वो बहुत दूर होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ हमने आज पाठ 18 की रीडिंग की है, तो आप भी इस पाठ 18 की रीडिंग कीजिए, है ना, और इसके पता कीजिए कि कौन कौन से तारे होते हैं, उनके नाम आप पता करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।